भाई हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बाबा नीम करौली के पास और उनसे दर्शन करके खा पी के फिर हम घर की ओर निकल जाएंगे। अभी पापा मम्मी बाहर गए हैं कुछ सामान ले रहे हैं। नन्ना हो देखो आगे, नन्ना हाई कर दे। तो बिस्किट एक ही बिस्किट दो जगह ले रही है, बाकी यार धूप है यहाँ पे अच्छी तरह। मैं पूरा नहीं खा रहा, पूरा नहीं खा रहा, प्लीज अब निकल रहे हैं, मतलब अब गाड़ी चला लूँ। तो हाँ जी, अब यहाँ से मैं शूट करूँगा इसे, इस पार्ट को, क्योंकि मैं बना रहा चुका हूँ वाराणसी निखिल भैया के साथ। हेलो बोल दो एक बार। हाय गाइस। गाइस तो ये देखो, ये हमारी प्राइवेट नाव है, नाव ही बोलते हैं, बोलते हैं नाव ही बोलते हैं, ध्यान से। तो प्राइवेट नाव है, यहाँ से अभी हम टेंट सिटी जाएंगे जो कि उस पार है घाट के। तो मैं अगर दिखाऊँ, मैं वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है टेंट सिटी, और वो आई गेस वो अगर तुम्हें दिख रही है तो वहाँ पे, बाकी वहाँ पहुँच के दिखाते हैं तुम्हें, है ना कैसा है या नहीं। ठीक है, चलो बाय भाई। हमारा पहला स्टॉप ये रहा ब्रेकफास्ट के लिए, बैठे घर वाले। एक तो बता दिक्कत क्या है हम लोगों के साथ, दिक्कत हमारे साथ दिक्कत नहीं है, ये यहाँ वालों के साथ मैं दिक्कत मानूंगा। हम लोग हैं प्योर वेज, ठीक है। अब भाई हम लड्डू गोपाल की पूजा भी करते हैं, तो हमारा क्या पॉइंट होता है मेनली, मेरा मम्मी का, पापा का इतना नहीं है, मेरा मम्मी का पॉइंट ये होता है कि हम ऐसी जगह पर खाना खाते हैं जो सिर्फ वेज ही सर्व करता है, प्योर वेजिटेरियन। अगर कोई ऐसा है जो नॉन वेज और वेज भी बनाता है तो हम उस पर भी नहीं जाते, हम प्रेफरेबली उस पर जाते हैं, उस पर चिकन बनता ही नहीं है। तो उस चक्कर में हमें टाइम लग जाता है, मैं पापा का चश्मा ढूंढ रहा हूँ गाड़ी में जो कि मेरे को नहीं मिला। तो हाँ, अब यहाँ पर खा के फिर निकलेंगे। हमारे लड्डू गोपाल का फोटोशूट चल रहा है, बैठा मस्त नज़ारों के साथ, फोटोशूट ले लो हमें इसको। चलो भाई चलो। अब गाइज फंस गए, पेट्रोल खत्म हो गया गाइज, अब नाव खराब हो गई। भैया बताएंगे अब क्या हुआ है, क्या हो गया भैया, यहाँ से स्विमिंग करनी है क्या है? कैमरा दे तू को। गाइज गए, कमेंट कर दो गाइज, ओ चल गई गाइज, थैंक यू। हाँ तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं जैसे मैंने बताया था, यू नो टेंट सिटी। बाकी वो अस्सी घाट है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो बिना मंदिर दिख रहा है ना, और हम जा रहे हैं उधर, ऐसे जाएंगे। ये टेंट सिटी है बेसिकली, ये नदी के पार है, घाट के पार है। क्या भाई हम पहुँच गए कैंची धाम, ये हमने गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने जूते चप्पल उतार दिए, जूते उतार दिए, मतलब वैसे तो है यार जूते उतारने का अंदर, पर यार मैंने कहा महंगे जूते हैं तो उतार ही देते हैं, कुछ कोई ले जाए, ऐसे लोग होते नहीं है, पर फिर भी यार मंदिरों में चोरी हो ही जाती है चीज़ें। ये देखो कैंची धाम, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे आगे की चीज़ नहीं पता, बट हाँ यही है। देखो भाई हमारे छोटे भैया कुछ बताएंगे। हाँ भाई, भैया बताओ, तेज बोल। कैंची धाम आए हम, ये बच्चे ने बता दिया हम कैंची धाम आए, अब हम जा रहे हैं मस्त कंकड़ों में नंगे पैर। देखो भाई भीड़ तो अच्छी खासी है, बोरा धाम बहुत ही अच्छी खासी भीड़ है। देखो ब्रिज पे ट्यूजडे है ना, ट्यूजडे को हनुमान जी का दिन होता है, बाबा हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए थोड़ा भक्त का जरूरत है, मैं कोई स्टोरी नहीं पता, हनुमान जी का रिलेशन तो भाई मुझे इतना ही पता है। मंदिर के अंदर तो मोबाइल अलाउड है नहीं, बोरा मंदिर पीछे अच्छे दर्शन हो गए, काफ़ी शांत और अच्छा माहौल, अब हम घर की ओर निकलेंगे जहाँ तक। भाई देखो टीका दिख रहा होगा आपको, बाहर अम्मा बैठी थी उन्होंने लगाया, फिर वही खाने की सेवा करते, मम्मी का लगा टीका, ये दो टीका लग रहे हैं। देखो बता दो ये किस चीज़ का टीका है, मेरे सरैया का, और ये अंदर वाला, ये यहाँ बाबा के यहाँ पे लगा, देख तो लो नए के लिए आई पर। आप मेरी माँ ब्लॉग में हाई करो ना, चलो आज ये तो बताती है हाय नन्नो, नन्ना के लिए है बाबा। भाई हमने हमारी नई खोज ये है कि कैंची धाम में धूप है पर गर्मी कम है नैनीताल से। देखो बोरा पीछे निकल गया, कैंची धाम बोरा बाबा का आश्रम, बहुत अच्छा आश्रम, बहुत ही शांत माहौल, बहुत ही अच्छी सुविधा कि आराम से सब जा रहे हैं, इतनी भीड़ के बाद भी आराम से आ रहे हैं, बहुत अच्छा यार, मतलब ज़्यादा फैमिली के साथ तो हमें घर निकलना है। अगर आप लोगों का टाइम हो आओ मस्त बैठ के अंदर, हनुमान चालीसा तो खैर पढ़ी हमने भी, मतलब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाए, थोड़े बहुत हुए
हनुमान चालीसा पढ़ो अंदर, तो बस आराम से बैठो, बहुत अच्छा माहौल है। पहुँच गए हैं टेंट सिटी, ये रहो देख लो, ये टेंट सिटी है और वो मेन वाराणसी है और ये पारस की। ओके, बाकी देख के बता दें कैसा है ना? तो लग रहा है अमीर लोग हैं वो दो यहाँ। बाहर आओ, आ जाओ उतर के, चप्पल है तेरी यहाँ पे, ये करिए भाई सनरूफ का पूरा इस्तेमाल। अरे ऐसे बाहर नहीं, नीचे से बाहर देखो भाई, व्यू देखो आप लोग हैं, ढूंढता हूँ अभी, हम घर के लिए निकल रहे थे, हमने व्यू देख के गाड़ी रोक ली, देखो गुड व्यू भाई। हम लोग रुके थे खूपी, चाय पापा मेरे को चाय पीनी थी, खूपी नाम है जगह का। देखो धूप तगड़ी हो रही है यहाँ पे, पर हवा इतनी ठंडी है, धूप का पता नहीं चल रहा है। देखो अच्छा व्यू है, गुड लोकी गुड। देखो वहाँ तुम्हें कैमरा से नहीं दिख रहा होगा, पर वहाँ पे दूर तक पहाड़ है, वो लुक अच्छा है। कहीं तुम सोचो इन लुक को लुक बता रहा है, ये तो यार नॉर्मल है, वो अच्छा लुक है, गुड लुक कह रहा हूँ, व्यू गुड व्यू, मज़ा आ रहा है यार, हवा अच्छी है, घर बन रहा है यहाँ पे बढ़िया। हम जा रहे थे पापा मेरे को देखा चाय वाला है, मैंने बोला चाय तो इन्होंने मतलब एक यार थे किसी रेस्टोरेंट पर रोक ले, मैंने कहा यहाँ चाय पियो यार, एटलीस्ट व्यू तो मिलेगा, बस यहाँ पैर पैर लटका के चाय पियो। तो गाइस पहुंच गए हैं ना हमारा क्या बोलते हैं टेंट सिटी, और अभी भैया ने बताया कि यहाँ पर क्या कहते हैं वो नहीं है, क्राउड नहीं आ रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, तो इसलिए पूरा हमारा है 3 दिन तक प्राइवेट। ऐसा लगे जैसे पाम मैं आ गया हूँ दुबई के पाम में, यू नो क्या कहते हैं पाम ट्री, क्या मस्त है, तो दिखाता हूँ। वैसे जूम क्यों कर रहा हूँ, जाना तो अभी अंदर ही है, खैर अंदर पहुँच के अंदर का दिखाते हैं, ठीक है। आज का ब्लॉग बहुत बड़ा बनने वाला है, तो जो जो खाना खाते हैं ब्लॉग देखते हैं, मज़े आने वाले हैं अगर मैं सही ब्लॉग कर रहा हूँ। थैंक यू, रिचुअल है निकल भैया, ओ थैंक यू, ये रुद्राक्ष कॉम्प्लीमेंट है। ओह नाइस, जैसा कि आपने देखा गाइस हमें इतनी इज्जत से क्या कहते हैं हमारा स्वागत किया गया, इधर आओ भैया है ना, हाँ जी, रुद्राक्ष दी गई हमें है ना, इतनी इज्जत दी गई है, इतनी इज्जत हमें मेरे को तो कभी नहीं मिली। देखो पानी भी देने आ रहे हैं ठंडा ठंडा, और पानी है हाँ रूम पे, थैंक यू, पता नहीं नोट कर दिया इन्होंने। हाँ तो भैया एक बार एक थोड़ा ब्रीफ कर दो गाइस को, मैंने कुछ करना है, हाँ आपको ब्रीफ करना है। अरे ये तो बता दो कि हमें अपग्रेड मिल गया है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा दोस्त है बहुत फेमस यूट्यूबर, तो उन्होंने हमें अपग्रेड दे दिया, ठीक है। पहले हमें खाली मैदान में सुला रहे थे, अब एक हाँ झोपड़ी, अब हमें झोपड़ी दे दी है एक, हमें अपग्रेड मिल गया है, ये हमारी राइड्स हैं आज की। खैर हाँ वो ये कि सही बताऊँ तो इतना क्राउड नहीं है, ठीक है, तो हमने जो बुकिंग करी थी वो यहाँ की स्टार्टिंग थी है ना जी, वो कितने की थी, 15,000 की थी, और अब जो हमारा अपग्रेड हुआ वो कितने का हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द वे, 22-23,000 रुपये का रूम है फ्री में मिल रहा है, अपग्रेड हो गया क्योंकि क्राउड नहीं है बिल्कुल भी, तो उन्होंने फ्री में अपग्रेड कर दिया हमारा, और मैंने थोड़ा पिच भी कर लिया उन्हें कि मैं रील बना दूंगा, तो मेरे 6,000 व्यूज आते हैं रील पे, तो अपग्रेड दे दिया, ठीक है बाकी बताता हूँ अंदर पहुँच के। चलो पहुँच के आ गया, रूम देख ही लो, ये हमारा टेंट है मस्त, और हो चुकी है, और गाइस
हमने गंगा स्नान कर लिया है यहीं पे अपने प्राइवेट घाट में, है ना? यस। एंड अब हम जा रहे हैं, पहले कुछ खाएंगे ओनली फॉर मकान मालिक लोगों के लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे पहले। हाँ जी, टाइम हो गया है 10:45 और अब हम कुछ खाएंगे और उसके बाद हम कौन से मंदिर जाएंगे? सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर और काल भैरव, फिर काल भैरव, फिर हम दोपहर में नाश्ता करेंगे, पड़े होंगे ठंडाई वंडाई पियेंगे, फिर हम वापस चेकआउट करने या फिर नहीं करना देखते। चलो ठीक, इनको इतना नहीं बताना। ओके भाई, हम लोग रामपुर क्रॉस कर चुके हैं। अभी यहाँ से हमारा घर है कुछ 150 के आसपास। हमने यहाँ गाड़ी रोकी है खाना खाने। अब देखो लक्ष्य भाई, कुछ याद आया इससे? लक्ष्य और आंटी, मतलब लक्ष्य की मम्मी, उन्हें याद आ गया होगा इससे कुछ। अगर आ गया है याद तो मुझे कमेंट या कॉल करके बताइएगा कि हाँ याद आ गया। घर वाले भाई वॉशरूम जा रहे हैं, पापा वॉशरूम जा रहे हैं, मैं देखूंगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं। चलो ठीक है भाई, खा लेते हैं कुछ पहले। भाई देखो लड्डू, येरा लड्डू सो गया है, येरा लड्डू लड्डू इधर खुद ले रोक चले। देखो ये जुला झूल रही है, झूल झूला लड्डू भी जाना, लड्डू भी चाहता है झूले पे जाना। लड्डू जाएगा बेटे? क्यों? तो तू बड़ी हो गई, तू भी तो छोटी है। मेरी मम्मी बच्चों को डांटती हुई, शोंटी प्लीज ग्रो अप, गुड मम्मी गुड, आई एम विद यू। बैठ बच्ची, हो वीडियो मारी। अच्छा मैं बता रहा हूँ फिर भाई, झूले केवल बच्चों के लिए, हमने अब रियलाइज करा, बोर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। भाई देखो खाना वाना हमने खा लिया, गर्मी तो खैर बढ़ गई, जैसे जैसे प्लेन में आए हम खाना खा लिया। भाई खाना बहुत टेस्टी था भाई, मतलब जो चिकन खाते हैं मेरे दोस्त वोस्त खाते हैं, मैं नहीं खाता, तो मैंने उनके मुँह से सुना है और उनके साथ कभी नॉन वेज जगह पे गया हूँ तो पढ़ा है, चिकन कलेजी के नाम का कुछ होता है। तो यहाँ पे वेज में ही उसके जैसा कुछ था, मुझे नहीं पता चिकन का टेस्ट कैसा था। ऑब्वियसली एक आइटम था पनीर कलेजी, सब्जी थी पनीर की बेसिकली। अरे भाई बेहद टेस्टी, बेहद टेस्टी था भाई, मतलब खाना अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था। कुछ औकात से ज़्यादा खा लिया, औकात कह रहा हूँ लिमिट से ज़्यादा खा लिया। अब बस निकल रहे हैं, हाथ साफ कर लूँ फिर चलते हैं। ये देख लो इन्हें, देख लो मेरे माँ बाप को, पूरे फोटोशूट चल रहा है। बट अरे भाई धूप देखना, लेन में आ गए ना भाई, पहाड़ों में धूप थी पर हवा फिर भी ठीक थी, लेन में आती हवा चुभ रही है। देखो नंदा क्या करी, नंदा रुक जा, देखो ये रही अलग मजे लड़की। चलो झूल इतनी गर्मी में यार, नन्नो इतनी गर्मी में कैसे कर रही है भाई, चल दो अलग पागल ही पड़ी है इतनी गर्मी में। भाई मैं गाड़ी ठंडी कर रहा हूँ, घर वाले बाहर हैं, मैं और मेरा भाई लड्डू, लड्डू सौंप लेके आया भाई मेरे से, लड्डू इतनी सौंप चुरा ली तूने बेटे। भाई मैं गाड़ी ठंडी कर रहा हूँ, घर वाले बाहर हैं, मैं और मेरा भाई लड्डू, लड्डू सौंप लेके आया भाई मेरे से, लड्डू इतनी सौंप चुरा ली तूने बेटे। भाई फाइनली घर आ गया, 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे घर घुसे हैं, रुकते रुकाते आए थे और निकले भी लेट थे, टाइम से आ गए, बहुत टाइम से आ गए, और खाना वाना खा रखा है अभी, शायद कुछ खाने जाऊँ ना जाऊँ, कुछ गया तो ठीक है, अगर ना ऐसी भाई कर दूंगा थोड़ी बहुत। तो भाई देखो बाहर में गया नहीं, थक रहा था यार, मैंने कहा सो जाता हूँ। बाकी विंग्स ने एक ईयरफोन लॉन्च किए थे, विंग्स फैंटम 340, तो ऐसे ही मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब चला रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था कि 1500 में बहुत अच्छे ईयरफोन आ रहे हैं वगैरह वगैरह, फ्लैश सेल होती है ना कुछ टाइम के लिए आती है, तो मैंने कहा 1500 का मंगवा के देख लेते हैं, अच्छे हुए तो यूज़ कर लेंगे ना तो वापस कर देंगे, तो ये रहे लगा रखे मैंने। तो इनमें ANC है 30 डेसिबल तक, इनमें ENC है मतलब जब तुम किसी को कॉल करते हो तो माइक में मतलब आसपास की आवाज़ ना आए, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। और क्या है 30 घंटे का बैटरी बैकअप है, और वन नथिंग बर्ड्स की कॉपी करी है उन्होंने, मतलब 1500 के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो मुझे दिक्कतें लगी, ANC अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। बाकी अगर तुम्हें 1500 में ईयरफोन चाहिए बस सीरीज़ या गाने सुनने के लिए नॉर्मल और कॉल करने के लिए तो ले सकते हो, इतना ख़ास नहीं है कि भाई, पर 1500 के हैं तो ले सकते हो। मैंने भी मंगवाए, मैंने रिटर्न डाला है, पैसे आ गए तो बहुत बढ़िया, वरना
कर लूँगा यूज़, क्योंकि मेरा यूज़ वही है मेट्रो में सीरीज, और बस कॉल मेरे पे होती नहीं है एयरफोन लगा के, तो इसलिए मेरे लिए इतने सही हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। अभी के लिए तो मेरे बारे में दिक्कत हो रही है, राइट कान का ANC VNC बढ़िया चल रहा है, लेफ्ट का ANC नहीं चल रहा और ट्रांसपेरेंसी मोड भी नहीं चल रहा। तो ठीक है, 1500 में एक्सपेक्टेड था है। बाकी आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।